हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग वेजिटेबल आर्ट करेंगे। थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां हमें चाहिए, तो चलो देखते हैं इससे क्या कर सकते हैं। आप आपके पास जो भी अवेलेबल सब्जी है आप उसको यूज़ करके एनिमल, बर्ड्स या कोई भी डेकोरेशन सीन वैसे कुछ भी बना सकते हैं। तो आपको इस तरह की नाइफ़ की ज़रूरत है जो ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब्ज़ियाँ काटते वक्त आपको किसी भी तरह से हार्म नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये आपको बहुत ही केयरफुली करना है। तो हम लोग एक थोड़ा सा मोटा वाला मैंने पहले तो गाजर लिया है, जिसको हमने इस तरह से काट लिया है। अब इसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे। पेरेंट्स की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं। कैप्सिकम जिसके लीफ के शेप बनाएंगे, इसका जो फ्लैट वाला पोर्शन है वो हमें चाहिए, वो निकाल लेंगे हम लोग पहले ऐसे। बीट रूट है हमारे पास, उसको भी हम लोग इसी तरह से थोड़ा सा स्लाइस में काट लेंगे। ये जो रूट बीट है उसको हम लोग फ्लावर शेप में कट करेंगे। इस तरह से फ्लावर शेप हमने कट किया, ऐसे बहुत सारे फ्लावर के शेप कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने फ्लावर के शेप कट कर लिए हैं। कैप्सिकम के लंबे लंबे पीसेस काट के हम लोग इसके स्टेम के लिए यूज़ करेंगे। उसी के लीफ काट लिए हैं, वो हम लोग यहाँ पे अरेंज करेंगे। कैरेट जो हमने गोल गोल काट लिया था उससे हम लोग यहाँ पे नीचे का पार्ट कवर करेंगे। देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और ग्रास के लिए पुदीना का लीव जो है यहाँ पे डालेंगे नीचे की तरफ। तो इस तरह से आप जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो इस तरह से हम लोग सैलेड से डेकोरेशन कर सकते हैं। ओके, तो और भी कुछ करके देखते हैं।
इस तरह से आप अलग अलग पैटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो अपने पास जो भी वेजिटेबल है उसको आपको यूज़ करना है और ऐसे क्रिएटिविटी आपको करके दिखानी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।